हेलो भाई लोग, क्या हाल हैं आप सबके। तो यार अपना दिन हो रहा है अब शुरू। उठ तो गए थे बहुत पहले, लेकिन आज हम जा रहे हैं हौदिया में स्नान करने। सही है भाई, उसी को यही कहेंगे। या कितने लोग हौदिया नहीं समझेंगे, तो मोटर होता है मोटर, तो मोटर पे जा रहे हैं नहाने अपने दोस्त के यहाँ। निकलना था थोड़ी और जल्दी, पर लेट ज़्यादा हो गए। टीलू भाई जिम विम कर रहे थे, बॉडी देख के देखे लग ही रहा होगा भाई के डोले सोले। तो टीलू भाई जिम विम कर रहे थे, इस वजह से टाइम ज़्यादा लग गया। तो अब सीधे जा रहे हैं, कुछ खाने पीने का सामान वामान लेके वहाँ जाते हैं। बाकी वहाँ की अपडेट वहीं देते हैं। और गर्मी इतनी हो रही है ना कि समझ में नहीं आ रहा कि पसीना बह रहा है या पानी निकल रहा है। पूरे भीग जा रहे हैं बिल्कुल बिना एसी के, तो बेकार है दुनिया। मैंने अपने लिए सारा सामान वामान ले लिया। जाना कहाँ जाना है? किला खेड़ा गदरपुर से पहले, वहाँ पहुँच के सुनील को फ़ोन करते हैं। यार गर्मी इतनी हो रही है ना, अभी मैं उतरा तो बिल्कुल ढीलो। गर्मी कितनी है, बहुत बुरा हाल है भाई। गर्मी का आराम से भाई, गर्मी किसी और पे ना निकाल दियो। ढीलो यार एकदम गर्म हो जाता है हमारा, खास बात यही है ढीलो की। वो देखा बैलून तुमने, एकदम पंप करो तो बिल्कुल फूल जाता है। सेम ढीलो भाई है, एकदम बढ़िया। वो वहाँ से कपड़े लेना, किड्स कलेक्शन देख। अभी किड्स कलेक्शन दिखाते दिखाते यार ढीलो मतलब बहुत इंस्पायर है फास्ट एंड फ्यूरियस की सीरीज से। बिल्कुल लौंडा वैसे ही ना गाड़ी चलाना पसंद करता है, कभी मिलो तो बैठ के बताएगा। बॉल वो निपट गया भाई, तभी तो हम भी निपट जाएंगे टाइम से। देख रहे हो लौंडे का जज्बा। पहले बताऊं टीलू एक ही अपने घर में इकलौता बच्चा है, और बहुत ही मन्नतें मांगी टीलू के मम्मी पापा ने तब टीलू हुआ। शरीर देख के लग ही रहा होगा कितनी मन्नत वाला है भाई। ये सीट बेल्ट वाला बंद नहीं होगा, मतलब तू सीट बेल्ट नहीं लगाएगा। चलो यार चलते जल्दी पहुंचते। तो यार देखो हम आ गए हैं, बिल्कुल धूल और रात से होगी, इतना ट्रैवल करना पड़ा है। और बिल्कुल कच्ची सड़क है, इतनी है कि बस स्टील ही निकल पाएगा, इतनी पतली है। एक हमारे साथ वाली गाड़ी हो जा रही हमें। टीलू भाई तुम ही कह रहे थे ऑफ रोडिंग करनी है, उसके लिए थार निकलवा रखी है ना। लो लेकिन ये नहीं लानी थी ना, ये नहीं लानी थी आराम से भी। तो यार जिन फार्म की भी ना, अरे भाई आराम से, अभी अटैक पड़वा देता फार्म बोलते ही। तो यार मैं ये बोल रहा था भाई लोग कि फार्म की भी ना अलग ही वाइब होती है, मतलब मोटर पे बैठ के मजा जो आता है ना बहुत ही अलग आता है। अपने बचपन में भी जाते थे गर्मियों में, रोज फार्म जाके मोटर चलती थी, मस्त नहाते थे। मेरे खेती खेत है, फाइनली लो भाई हम डेस्टिनेशन पे पहुंचे। हमारे साथ है डॉक्टर साहब। क्या हाल है भाई? भाई कुछ ज्यादा ही दूर नहीं था, कुछ ज्यादा ही दूर नहीं है। देखो भी बिल्कुल बढ़िया सी वाइब है, बिल्कुल देसी। गाय साय सभी हैं, गौ माता की जय। हेलो जी, और इनके साथ सुंदर सा बछड़ा भी है। ओ चलो भाई आओ, अंडा को सीधे गाय के थन के नीचे डायरेक्ट मिल्क शेक इसे पिलाएंगे। अगर ला तो ओए तू दूध निकल ला देता है, कली हुआ है बच्चा। हाँ। अरे मेरा ताजा ताजा फ्रेश है एकदम। कली हुआ है बिल्कुल। लो जी लोकेशन चेक करो, ये नाना ही है ये। हाँ। ये तेरे नाना है तीनों? मैं तीनों कैसे हैं? अलग अलग टाइम में तीनों बहुत बढ़िया है। अलग अलग टाइम पे मतलब? एक जवानी में। अच्छा एक बहुत ज्यादा जवान, एक थोड़े से जवान, फिर एक थोड़े वैसे। और ये भी? ये तो नहीं, बाबा जी कौन चला ले मोटा है वो इस समय पे। अच्छा ये नाना है? ये नाना है, मैं कह रहा हूँ ना कि नाना है। वो कह रहा बाबा जी है। बाबा की तो फोटो देखी यहाँ पे। देखो जी पूरे चार फेज हैं। और यही है, जेट गबरू जवान है।
तो माहौल खराब ना हो जाए इसलिए स्नेल भाई ने औजार भी रखे। टीलू देखी आराम से, वो भाई डॉक्टर का पेट ना खोल दियो कभी। बढ़िया आ रही है। अरे भाई भाई स्नेल खतरनाक खतरनाक आइटम है वो भाई, लग जाएगी मर भी जा रहा कोई। नहीं लग रहा तो हमारे साथ यहाँ पे। ओए टीलू यहाँ मेंढक भी हैं खूब भाई, कई सारे मेंढक हैं अंकित देख। भाई शोपीस के बढ़िया लग रही है लेकिन ये ले चलें। पर टीलू तुझे गुस्सा बहुत आता है, तू मार ना दे किसी को। पता लगा दूसरे दिन खबर आ गई यू अपने गुस्से में मारी गोली। स्नेल ये भी है भाई, खतरनाक खतरनाक औजार रख रखे हैं तुमने। तो मेन यहाँ नहाने का सीन ये था भाई, गहरी है यही सोचा मोटर चल के ही नहाया जाएगा मस्त। रात ज्यादा सी हो रही है। स्नेल भाई कीड़े बीड़े तो नहीं है यहाँ? अभी पानी चलेगा इसमें भाई, क्या पता कभी काट के बुखार ही ना उतर रहा 6-7 दिन। ये कितनी गहरी है? तेरे पास सही है भाई, बाकी ऊपर भी करना चाहे तो ऊपर भी कर लेंगे। अरे यार टीलू का नहाने का कोई मन है नहीं, इस वजह से ही लाइट भी भाग गई है और मोटर चल नहीं रही है। डॉक्टर जी तुम क्या कहोगे? अभी कुछ मत पूछ भाई। डॉक्टर जी का घर से फोन आ रहे हैं तो डॉक्टर जी परेशान है, उनका माहौल खराब हो गया। टीलू तुम बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है नहा के? पसीने से साले भाई। तो भाई अपना पूरा माहौल बन गया सेट नहाने का, नहाया जाएगा लौंडे वहाँ खाना पीना कर रहे हैं। और पानी यार अगर आप मोटर पे नहाए हो ना तो मोटर का पानी होता है बहुत ठंडा, फिर मज़ेदार खेत। तो अब यही नहाया जाएगा मस्त, मज़ा आ रहा है। इसे कहते हैं कुछ ओए स्नेल, ओए इस टंकी को क्या कहते हैं? समरसील, समरसीबल कहते हैं भाई, मुझे नाम नहीं पता था तो पूछा। इससे बहुत सारा बल्क में पानी आता है बहुत गहराई से, बढ़िया चीज़ है नहाने की जगह। समर समरसीबल चल पड़ी अंकल जी, चल पड़ी। अरे अगली बार देखो जी बैलेंसिंग देखो टीलू भाई के सर पे। ओए रोक के रख, रुक जा। अरे क्यों हिला रहा है? अरे रुक ऐसी रख, करियो करके आलो जी काम चक दिता। ओके जी गुड नाइट।